Question number 62. Van der Waal equation of state at low pressure compressibility factor is asked. Van der Waal equation of state is P plus A by Vm whole square into Vm minus B is equal to RT. लेकिन हमसे जो पूछा है वो पूछा है एट लो प्रेशर वीएम टेंड्स टू इन्फिनिटी और वेरी लार्ज एंड वीएम इज वेरी लार्ज बी कैन बी नेग्लेक्टेड एंड सो वीएम माइनस बी अप्रोक्सीमेटली वीएम और अगर मैं ऐसा लिख दिया तो ये रह गया पी प्लस A by Vm whole square into Vm is equal to RT. इसको मल्टीप्लाई करें अगर हम लोग पी वी एम ए बाई वी एम इज इक्वल टू आर टी बट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इज इक्वल टू पी वी एम बाई आर टी एंड दैट इज फ्रॉम हियर इज वन माइनस ए बाई वी एम आर टी दैट इज द आंसर इज फोर. Question number 64 from electrochemistry conductance part. Question के अंदर आपको specific conductance K दिया हुआ है and that is equal to 1 by R into L by A where L by A is the cell constant. पहले कुछ concentration के लिए K का value दिया हुआ है फिर दोबारा concentration change किया हुआ है और लेकिन एक बात है सेम कंडक्टिविटी सेल के लिए L बाई ए विल बी सेम. सो दो अलग अलग सॉल्यूशन के लिए हम लोग K1 वन बाई के टू इनका जो रेशियो ले तो वो बन जाएगा हमारे पास R2 टू बाई आर वन बिकॉज सेल कॉन्स्टेंट विल बी सेम इन द सेम कंडक्टिविटी सेल. तो डेटा को अगर हम यूज करें तो 1.4 अपॉन K2 टू इज इक्वल टू 280 बाई 50 जो डेटा हमको दिया हुआ है रेसिस्टेंस. यहां से हम लोग K2 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि सेकंड केस का भी कैलकुलेट करना है एंड दैट वैल्यू कम्स अप 1/4 साइमन मीटर इनवर्स. जो K2 का वैल्यू हमारे पास आ गया तो गिवन कंसेंट्रेशन पर हम लोग इसके लिए लैम्डा एम का वैल्यू यानी मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे और वहां पर हमारे पास लैम्डा एम का जो फॉर्मूला जबकि सारे यूनिट्स ऐसा ही हो वो फॉर्मूला जो हमारे पास सारे ऐसा यूनिट में होने के लिए के डिवाइड बाय एम इंटू 1000. ये डेटा जो हमारे पास है इसमें अगर हम डेटा पुट करें 1 बाय 4 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इज गिवन 0.5 इनटू 1000. इफ यू सॉल्व इट यू आर गेटिंग द ऑप्शन नंबर 3. दिस वैल्यू विल बी कमिंग 5 इनटू 10 टू द पावर माइनस 4 दैट इज आंसर बिकम्स ऑप्शन 3. क्वेश्चन नंबर 65 कुछ रिलेशंस आपको दिए हैं सीजियम क्लोराइड यूनिट सेल के लिए और करेक्ट आंसर आपको सेलेक्ट करना है. यू नो इन केस ऑफ सीजियम क्लोराइड यूनिट सेल सीजियम प्लस इज प्रेजेंट इन द क्यूबिकल वॉइड दैट इज एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब एंड सीएल माइनस एट द ईच कॉर्नर. दैट मीन्स हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि एक बॉडी डायगोनल को अगर हम लोग लें और बॉडी डायगोनल का जो डिस्टेंस होता है दैट इज रूट 3a और रूट 3a का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू हियर twice of r plus plus r minus. R plus is the radius of cesium plus and from here you can say r plus plus r minus is equal to root 3 a by 2. That is your answer 1. Question number 66. Osmotic pressure depends on concentration as well as Van der Waal factor and formula is I multiplied by C RT. Given compounds are C2H5OH, given concentration is 0.5 and osmotic pressure is 1. For the compound Mg3 PO4 twice, concentration is 0.1 and osmotic pressure is 0.5. For KBr, given concentration is 0.25 and Van der Waal factor for this is 2 and for
Na3PO4 given concentration is 0.125 and want of factor for the given compound is 4. Therefore, I multiplied by C is 0.5, again 0.5 and 0.5. All the compounds have same value of I multiplied by C, therefore all have same osmotic pressure, therefore option 3 is correct.